शान्तानां वीतरागिणां आत्मबोधो हि बोधोऽन्यसाधने प्रोहि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य बह्निव ज्ञानम् विना मोक्षो न सिद्ध्यते। हरिओम। वी विल चांट श्लोका 16, 17 एंड 18 ऑफ आत्मबोधा। वपुस्तु शाधिपि कोशैः युक्तं युक्त्यावघाततः आत्मानमन्तरं शुद्धं विविच्यतण्डुलं यथा सदा सर्वगतोऽप्यात्मा न सर्वत्रावभासते बुद्धावेवावभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिम्बवत् देहेन्द्रियमनोबुद्धिः प्रकृतिभ्यो विलक्षणम् तद्वृत्तिसाक्षिणं विद्यात् आत्मानं राजवत् सदा। आत्मबोध के हम श्लोक नंबर 17 से शुरू करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी एक बार यूएसए में लेक्चर दे रहे थे, वेरी पावरफुल ओरेटर, और सडनली एक आदमी बीच से उठा, कहने लगा, स्वामी आर यू हिप्नोटाइजिंग अस। स्वामी विवेकानंद कहने लगा, स्वामी आर यू हिप्नोटाइजिंग अस। स्वामी विवेकानंद ने झट से बोला, नो आई एम डी हिप्नोटाइजिंग, वी आर ऑलरेडी हिप्नोटाइज्ड बाय आवर परसेप्शन एक्शन इमोशंस एंड थॉट। किसी ने बोला, क्या स्वामी आप हमें सम्मोहित कर रहे हो? स्वामी विवेकानंद ने कहा, नहीं, मैं आपको सम्मोहन से निकाल रहा हूं। हम सब सम्मोहित हैं, हिप्नोटाइज्ड है by our perception, action, emotions and thought. सारी दुनिया एक एक आइडिया से, थॉट से कंट्रोल्ड हो जाए। वो थॉट चाहे क्रिकेट का मैच हो, वो थॉट चाहे कोरोना वायरस हो, वो थॉट चाहे नई पिक्चर का रिलीज होना हो, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग थॉट हो जाता है और सारा संसार उसी थॉट पे चर्चा करने लगता है। We are hypnotized by our perception, action and emotions. So how do you de-hypnotize yourself? आपके thoughts ने, आपके emotions ने, आपके perception ने आपको वश में किया हुआ है। कभी hypnotic show देखिए आप जाके, net में available है। India में तो फिर भी हो जाते हैं, USA वगैरह में तो कई countries में banned है। Hypnotic क्या करता है आपको? मुझको आपको स्ट्रॉन्ग सजेशन देता है और उस सजेशन के बाद यू स्टार्ट बिलीविंग। पानी नहीं होता बट यू स्टार्ट बिलीविंग द वॉटर इज कमिंग और आप स्विम कर रहे हो। 11वें अध्याय में भगवान जी ने भी किया अर्जुन को हिप्नोटाइज, लेकिन आप किसी और को हिप्नोटाइज तभी कर सकते हैं जब आप कोई होना चाहे। प्लीज समझिएगा, हर किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। आप उसी को हिप्नोटाइज कर सकते हैं जो होना चाहता। फॉर एग्जाम्पल, स्टेज शो में आप देखिएगा, वही लोग हिप्नोटाइज हो सकते हैं जो होना चाहते हो, किसी को नहीं कर सकते। सो हम सब होना चाहते हैं सेंस ऑब्जेक्ट से हिप्नोटाइज। हम सब चाहते हैं कि कोई मुझे क्या करे, पूरी तरह से वश में करे। किसने वश में किया हुआ है? चाय ने वश में किया हुआ है।
न्यूज़पेपर ने वश में किया हुआ है और आजकल जूम की क्लासेस ने हमें वश में किया हुआ है। तो ये वश में आदमी जो हो जाता है वो विवश हो जाता है। जो भी आदमी किसी भी परसेप्शन एक्शन इमोशंस के वश में आ जाए तो वो विवश हो जाता, फिर वो चीज उसे चलाती। तो इसको कैसे डिटैच हो, डीहिप्नोटाइज कैसे हो, तो श्लोक नंबर 16 में बताया जैसे चावल को उसके दानों के छिलकों से अलग किया जाता है। चार प्रोसेस हैं चावल को छिलके अलग करने के लिए। पहला पॉन्डिंग, दूसरा हस्किंग, तीसरा विनियर, चौथा सीड। अर्थात सबसे पहले चावल को पीटा जाता, मीनिंग यू गो थ्रू नॉक्स एंड शॉक्स इन लाइफ। जब आपको मुझको दुख आते हैं, थपेड़े आते हैं, नॉक्स एंड शॉक्स आते हैं, तभी हम अंतर्मुखी होते हैं। हम अंतर्मुखी कब होते हैं, हम इंट्रोवर्ट कब होते हैं, हम परमात्मा अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी हायर वैल्यूज के बारे में कब सोचना शुरू करते हैं, जब जनरली दुख आता है। ये लॉ नहीं है बट जनरली वी हैव सीन, दुख आता है तो हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, हमारी भूख प्यास मर जाती है, हम कहीं बाहर नहीं घूमना चाहते, अंधेरे में रहना चाहते हैं। सुख आता है तो हम ब्राइट हो जाते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, बाहर घूमना चाहते हैं, रेस्टोरेंट में खाना चाहते हैं, अच्छे महंगे कपड़े पहनना चाहते हैं, विच इज ऑल राइट। सुख के समय में हमारे थॉट इंडल्जेंस पे होते हैं, दुख के समय पे हमारे थॉट अंतर्मुखी हो जाते हैं। व्हाई मी माय लॉर्ड, बहुत बड़ा विंबलडन चैंपियन था आर्थर एश, विंबलडन जीता उसने, एंड ही गॉट एड्स इन हिज लाइफ। एड्स की बीमारी होगी तो समबडी आस्क हिम व्हाई यू आर, आर्थर तुम्हें ये साथ तुम्हारे साथ ये कैसे हो। तो आर्थर ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, कहने लगा इस दुनिया में विंबलडन टेनिस कितने लोग खेलते, 7 करोड़ लोगों में से, 700 करोड़ लोगों में से सपोज 50 लाख लोग टेनिस खेलते हैं पूरी दुनिया में, I'm just taking it, और 1 करोड़ लोग खेलते हैं। 1 करोड़ लोगों में से कितने लोग कोई टूर्नामेंट खेलते हैं पूरी दुनिया में, 10 लाख लोग। उस 10 लाख लोग में से भी कितनी टूर्नामेंट में लोकल स्टेट लेवल के टूर्नामेंट में तक पहुंचते हैं, 1 लाख। उसमें से भी कितने लोग यूएसए ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन तक पहुंचते हैं, 1,000। उनमें से भी कितने लोग किसी टूर्नामेंट को फाइनल में पहुंचते हैं, 100। उसमें से भी कितने लोग शील्ड उठाते हैं विंबलडन की। तो आर्थर एश कहने लगा जब मैंने विंबलडन की शीट उठाई तब तो नहीं बोला व्हाई मी माय लॉर्ड, जब मैंने विंबलडन की, आर्थर एश कहने लगा जब विंबलडन की मैंने जीतने की शीट उठाई, जब वो कप उठाया तब तो मैंने नहीं बोला व्हाई मी माय लॉर्ड, जब दुख आया तो मैं बोल रहा हूँ व्हाई मी माय लॉर्ड, जब कप उठाया तब तो मैंने बोला आई डिड इट, लेकिन दुख आया तो मैं कह रहा हूं भगवान ने मेरे साथ ये क्यों किया। प्रभु ना दंड देता है, प्रभु ना माफ करता है, प्रभु ना दंड देता है, प रभु ना माफ करता है। ये कर्म फल का वो तराजू है जो बस इंसाफ करता है। तेरे सुख दुख का बटन तेरे हाथ है बंदे, तेरे सुख दुख का बटन तेरे हाथ है बंदे, तू खुद ही ऑन करता है, तू खुद ही ऑफ करता है। तो नॉक्स एंड शॉक्स इन लाइफ इज लाइक अ पॉन्डिंग, जैसे चावल को हस्क को निकालने के लिए, छिलके को निकालने के पहले पीटते हैं, अनुभव करते हैं, देन हस्किंग, छिलके, श्रवण करो सुनो, फिर विनयर करते हो, छिलका दूर हो जाता है, मनन करो, रिफ्लेक्ट करो, इन द लास्ट नॉट द लीस्ट सील करते हो, छान लेते हो, दिस इज निधि ध्यास। तो अपने गंध को निकालो,
और ये गंध जो मन में पड़ा हुआ है इसको निकालो, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। सो गेट आउट ऑफ दिस स्लंबर, गेट आउट ऑफ दिस पेसिमिज्म प्लीज, इस निराशावादिता से ऊपर निकलो, इस ग्लूमीनेस से ऊपर निकलो, इस विषाद से दूर निकलो, और उसके लिए आपको मुझको वैराग्य की हथौड़ा चाहिए। गीता जी क्लियरली बोलती है चैप्टर 15 में, इस संसार रूपी अश्वत्थ पेड़ को वैराग्य के कुल्हाड़े से काट। This is not my such statement. This is the Krishna saying in chapter 15. Bhagavan Krishna 15th adhyay mein keh rahe ki is attachment rupi ped ko vairagya ke detachment ke kulhade se kaat. Aur isne bahu shakha bana liya, bahut branches bana liya. Aur bardit ka ped ghar ke paas nahi rakha jata. ये नींवों को खोखला कर देते, हमारी नींव को खोखला करता है। तो आपकी डिजायर, आपकी अटैचमेंट, आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स, आपको आपके सो कॉल्ड अफेक्शन आपको पंगुम बना देते हैं, आपकी नींव को खोखला कर देते हैं, आपको पूरा हिला के रख देते हैं। आई एम सॉरी टू बी सो ड्रामेटिक एट द मॉर्निंग, दिस इज व्हाट हैपेंस। हम सबको हिला के रख दिया, इसमें हिला के रख, कोरोना ने हिला के रख, क्यों हिला के रख दिया? हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरे बच्चों का क्या होगा, हाय मेरे देश का क्या होगा। I'm not saying कि ये प्रॉब्लम कम है, but ये नॉक्स एंड शॉक्स हैं जो हमें इंट्रोवर्ट बनाने के लिए प्रकृति बार 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 देती है। इसलिए मैंने बोला भगवान विष्णु जी के शंख चार हाथ है, शंख चक्र पद्म गदा। जब हम गलत काम करते हैं शंख बजता है, ना सुने तो गदा मिलता है, फिर भी ना सुने तो चक्र हो जाता है, और सुन ले अंतरात्मा की आवाज तो पद्म मिलता है, पद्म में शांति मिलती है। तो 16वां श्लोक हमने किया, अब हम 17वां श्लोक करेंगे, आत्मबोधा जो टेक्स्ट है आदि शंकराचार्य द्वारा लिखी गई है, और इस टेक्स्ट में शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ है, पर वो आदि श्लोक नंबर 17 आत्मबोध। सदा सर्वगतोऽप्यात्मा न सर्वत्रावभासते, बुद्धावेवावभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिम्बवत्। सदा सर्वगतोऽप्यात्मा न सर्वत्रावभासते, बुद्धावेवावभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिम्बवत्। दो ऑलवेज ऑल पर्वेडिंग आत्मन सेल्फ इज नॉट मैनिफेस्ट एवरीवेयर, इट मैनिफेस्ट ओनली इन द इंटेलेक्ट लाइक रिफ्लेक्शन इन एन इमैकुलेट सरफेस। सो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि संसार में जो संसार है ये नित्य आत्मा नित्य सर्वव्यापक है, फिर भी सभी पदार्थों में उसका आभास नहीं होता। घट घट मेरा साया सूना घट नहीं कोई, परमात्मा सर्वव्यापी है नित्य है, फिर भी सभी पदार्थों में उसका आभास नहीं होता, उसका अनुभव शुद्ध बुद्धि में ही होता है, जैसे कि स्वच्छ दर्पण में ही प्रतिबिंब दिखाई देता। आई रिपीट वर्स नंबर 17 कहते हैं, दो ऑलवेज ऑल प्रवेटिंग आत्मा सेल्फ इज नॉट मैनिफेस्ट एवरीवेयर, सब जगह प्रकट नहीं होता। घट घट मेरा साया सूना घट नहीं कोई, उसका अनुभव शुद्ध बुद्धि में ही होता है, जैसे स्वच्छ दर्पण में ही प्रतिबिंब दिखता है। घट घट मेरा साया सूना घट नहीं कोई, बलिहारी उस घाट की जागट परगट होए। तो परगट कहाँ होता है? वो प्रभु
शुद्ध बुद्धि में, अर्थात उस व्यक्तियों में जिनका इंटेलेक्ट, जिनकी बुद्धि में प्योरिटी है, इमैकुलेट है, जिनके दिमाग में गंद नहीं भरा, जिनकी वासनाएं कम है, जिनकी वासनाएं ज्यादा है, जिनकी डिजायर ज्यादा है, उनको देख के परमात्मा का थॉट नहीं आता, उनको देख के सेंसुअलिटी का थॉट आता, उनको देख के गुस्से का थॉट आता है, उनको देख के निंदा का थॉट आता है। और आपको मैं काम देता हूं, आप अपने फोन की एड्रेस बुक में जाइए, कॉन्टेक्ट में जाइए, अभी मत कीजिए प्लीज अभी मत कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाना शुरू करिए, ए से नीचे मत जाइए, जेड से जाइए, जेड से ऊपर जाइए, हर नाम जो आ रहा है सामने उस नाम को देख के आपके दिमाग में क्या विचार आता है। डोंट आस्क मी, डोंट टेल। नीचे से आइए, पहला नाम माय गॉड, दूसरा नाम सो नाइस, क्यों आ रहा है आपके दिमाग में वो विचार, किसी के नाम देखते खुंदक आ जाती है, किसी के नाम देख के प्रेम आ जाता है। सो जो आदमी जितना ज्यादा वासनाएं कम होंगी उसको देख के उतना प्रभु का विचार आएगा, जिसकी ज्यादा वासनाएं होंगी उसको देख के सेंसुअलिटी का, संसार का, परिवार का, समाज का, व्यापार का, पैसे का, खेल का थॉट आएगा। सो प्रभु कहां है, घट घट मेरा साइन, और प्रतिबिंब कहां नजर आता है, सूरज सब जगह है, सूरज सब जगह है, लेकिन उसका प्रतिबिंब कहां नजर आता है, जैसा उसका अंतकरण हो, जैसा उसका स्वरूप। फॉर एग्जाम्पल, सूरज इधर है, ये मैला पानी है, तो यहां पे सूरज का प्रतिबिंब काला नजर आएगा, गंदा नजर आएगा, और इसमें प्योर शुद्ध वाटर है तो इसमें सूरज का प्रतिबिंब शार्प नजर आएगा, क्लियर नजर आएगा। सूरज कहां है, सूरज सर्वव्यापी है, लेकिन कहां दिखता है प्योर फॉर्म में, जहां पे जो मिरर है, जो दर्पण है वो गंदा नहीं। भगवान कृष्ण जी भी गीता जी में यही आइडिया बताते हैं, तीन तरह के आवरण बताए उन्होंने, गीता जी के अध्याय में तीन तरह के आवरण, आवरण मीन्स कवरिंग। पहला, जैसा एक मिट्टी ने दर्पण को ढका हुआ, मिट्टी ने दर्पण को। दूसरा, अग्नि को धुएं ने ढका हुआ है, सबसे पहला एक्चुअली वही है, अग्नि को धुएं ने ढका हुआ है। ध्यान से सुनिए, तीन तरह के कवरिंग बताइए गीता जी में। पहला, जैसे आग को, फायर को धुएं ने ढका हुआ है। दूसरा, जैसे दर्पण को, मिरर को मिट्टी ने ढका हुआ है। और तीसरा, गर्भ ने बच्चे को ढका। ये तीन आवरण है। तो सबसे पहला, अग्नि को ढका हुआ धुएं ने। अच्छा, धुआं है, अग्नि जरूर होगी, लेकिन अग्नि नजर नहीं आ रही आपको, धुआं ही नजर आ रहा है। तो अग्नि देखने के लिए आपको क्या चाहिए, एक हवा बहेगी, एक जस्ट एयर, जस्ट हवा बहेगी और धुआं चला जाएगा, अग्नि मैनिफेस्ट हो जाएगी, अग्नि दिखनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, दर्पण को मिट्टी ने ढका हुआ, वो अपने आप नहीं होगा, सात्विक व्यक्ति अग्नि की तरह है और उसकी वासना धुएं की तरह, एक छोटी से कमेंट, एक छोटी से सेंटेंस आदमी को वैराग्य दे देगी। जैसे कहते हैं काल तेना, उसको उंगली मार को मरा 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 बोला, वाल्मीकि को मरा 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 बोला, वो मरा मरा राम हो गया। उंगली मार को बुद्ध ने एक मिनट में एक बात समझा दी। तुलसीदास जी की पत्नी ने एक ताना मारा, तुलसीदास जी ज्ञानी हो गए।
यदि पत्नी के ताने से ज्ञानी हो जाते तो फिर तो कमाल हो जाता दुनिया में ना। वो प्रिपेयर थे, वो प्रिपेयर थे, तो वो अग्नि की तरह थे तुलसीदास जी। एक हवा चली, एक कमेंट पड़ा, एक छोटी सी घटना घटी, एक कमेंट पड़ा पत्नी का कि जितना प्यार मुझसे करते हो, जितना लगाव मुझसे करते हो, प्रभु से कर लो तो क्या होगा। वो धुआं हट गया, अग्नि प्रज्वलित हो गई। ऐसे लोगों की वासनाएं कम होती है। कुछ लोग होते हैं मिरर की तरह, मिरर में मिट्टी डली हुई है, आप अपने आप नहीं हो सकता, इसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, अपने आप मिट्टी नहीं जाएगी। तो सात्विक लोगों में एक छोटा सा कमेंट उनको इवॉल्व कर सकता है, राजसिक लोगों को अपने आप को इवॉल्व करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, और तामसिक लोगों को वेट करना पड़ता है। जैसे बच्चा गर्भ में अपने आप नहीं होगा, इट टेक्स टाइम। तो तामसिक लोगों को आप इवॉल्व नहीं कर सकते, तो तामसिक लोग को कौन ठीक कर सकता है? नॉक्स एंड शॉक्स इन लाइफ, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, no one is 100% sattvic, rajasic or tamasic. So we have to use all the three in a right proportion. Lekin shuddh buddhi jaise ho jati, jaise mirror saaf ho jata hai, uska reflection bright and brilliant ho jata hai. Jaise aapka man pure hoga, uska ekdam dhyan aa jayega. Bhagwan atmod kehte hain, आत्मा यदि नित्य सर्वव्यापी है फिर भी सभी पदार्थों में उसका आभास नहीं होता। भारत सरकार भारत में सर्वव्यापी है, भारत सरकार भारत में सर्वव्यापी है। उड़ीसा के जंगलों में, उत्तराखंड के जंगलों में, केरल के समुद्र तट से लेके नरिमन पॉइंट्स के हसल एंड बशल तक, पूरे भारत में भारत सरकार, ऐसी कोई जगह नहीं है भारत में जहां भारत सरकार नहीं। अब गहरे जंगल के अंदर या अपनी टेरिटोरियल वाटर के अंदर भी किसी का मर्डर कर दो तो भारत सरकार के जंगल में फंस जाओ, लेकिन अगर भारत सरकार से मिलना है, भारत सरकार से मिलना है तो दिल्ली आना पड़ता है। दिल्ली में भी कहां पे मिलोगे? कुतुब मीनार पे, छतरपुर पे नहीं, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन पे, पार्लियामेंट। इफ यू वांट टू मीट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट्स सेंट्रल, न्यूटन दिल्ली से कहते है। कहां भारत सरकार? सब जगह। सिमिलरली प्रभु कहां है? सर्वव्यापी है, हर जगह है, लेकिन अगर प्रभु को प्राप्त करना है, प्रभु को अनुभव करना है, तो यू हैव टू गो इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट होना पड़ेगा, अपने आत्मा में झांक के जाना पड़ेगा, इन इन कॉरिडोर्स ऑफ पावर से निकलना पड़ेगा, सेंटर हब में आना पड़ेगा। एंड व्हेन यू बिकम द सेंटर ऑफ पावर विच इज द आत्मा, लेकिन जितना हम आत्म के करीब जाते जाएंगे उतनी शक्ति हमारे अंदर जाता है। मैंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे व्हील का एग्जाम्पल दिया था, जो व्हील के सबसे दूसरे कोने में उसके अंदर हेडेक जाता है, जो व्हील के एक्सल से जुड़ जाए वो शांत हो जाए। तो घट घट मेरा साइना, सूना घट नहीं को। तो हम सब लोग प्रभु के विराज, सब जगह विराजमान, लेकिन प्रभु का अनुभव करने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, सेल्फ एवोल्यूशन के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, यू हैव टू टर्न इंट्रोवर्ट, इज नो अदर ऑप्शन। यू हैव टू बिकम इंट्रोवर्ट, यू हैव टू बी लिटिल रिफ्लेक्टिव। आपको अध्ययन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, अच्छे स्क्रिप्चर पढ़ने पड़ेंगे, गीता जी, आत्मबोध, भज गोविंदम, उपनिषद जैसे शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद उस पर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, और धीरे 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 आपके भीतर वो प्रभु का स्वरूप विराजमान होगा। जैसे ही मिरर को अभ्यास से साफ करोगे,
सूरज का प्रतिबिंब उसमें दिखना शुरू हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 18 आत्मबोध। और श्लोक में शंकराचार्य एक और गहरी बात बताने की कोशिश करें। देहेन्द्रिय मनो बुद्धि प्रकृतिभ्यो विलक्षणम् तत्प्रति साक्षिणं विद्यात् आत्मानं जाजवत् सदा। देहेन्द्रिय मनो बुद्धि प्रकृतिभ्यो विलक्षणम् तत्प्रति साक्षिणं विद्यात् आत्मानं राजवत् सदा। One should understand the self Atman to be distinct from the body, senses, mind, intellect, vasanas, and always a witness of their functions like a king. Witness a function like a king. हम सब लोग उस परमात्मा को प्रकृति के कार्य से शरीर इंद्रियां मन और बुद्धि से विलक्षण अलग राजा की भांति साक्षी भाव मात्र होके देखिए रिलेटिव लेवल में भी और एब्सोल्यूट लेवल में। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आत्मा सदैव वासना के कार्य शरीर इंद्रियों मन और बुद्धि से अलग है। मीन सेल्फ इज डिफरेंट देन वन शुड अंडरस्टैंड आत्मा टू बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बॉडी सेंस माइंड इंटेलेक्ट एंड वासना। अर्थात जो प्रभु है वो शरीर मन बुद्धि वासनाओं कामनाओं से ऊपर। जो प्रभु है आत्मा है वो सदैव प्रकृति से वासनाओं से शरीर से मन से बुद्धि से विलक्षण है अलग है। वो राजा की भांति है। सभी कार्यों को साक्षी मात्र करके ही समझना चाहिए। यदि आज भारत सरकार का उदाहरण दे तो आत्मा राष्ट्रपति की तरह टोटल साक्षी निर्लेप, उसके बिना कुछ काम नहीं होता लेकिन उसका किसी कार्य से कोई लेना देना नहीं। आपके पासपोर्ट पे भी क्या लिखा हुआ है, किसी और पासपोर्ट आपको किसने दिया पासपोर्ट, ये द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्लीज टू ऑफर यू ए पासपोर्ट। जॉब भी देते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्लीज, किसी को हैंग भी करते हैं फांसी भी देते हैं तो फाइनल अथॉरिटी सिग्नेटरी कौन है, the president of India is pleased to hang you. President is always pleased. आपके मेरे पास नंबर होते हैं, कारों का नंबर होता है, president of India की कार का कोई नंबर नहीं होता। There's no number in the president of India car. एक अशोक चक्र होता है, क्योंकि जो सबको कार का नंबर दे रहा है उसके पास नंबर की क्या। मैंने सुना है, I don't know it's true or false, but I heard it, I'm not authority to say, but मैंने सुना है कि राष्ट्रपति जब तक राष्ट्रपति की पदवी पे होता है उसके पास पासपोर्ट नहीं होता। किसको पासपोर्ट देगा राष्ट्रपति, किसको देगा, और वो कहीं जा नहीं सकता राष्ट्रपति जब तक उसे कोई बुलाए। ऐसे नहीं चल दिया राजकुमार चल दिया लंदन, राष्ट्रपति नहीं जा सकता until unless somebody invites. So राष्ट्रपति सर्वोपरि है लेकिन उसका राज्य की सत्ता से, राज्य के अप्स एंड डाउन से, राज्य की सत्ता के परिवर्तन से वो निर्लेप, वो साक्षी है। ऐसे प्रभु प्रकृति से पूरी तरह से निर्लेप, परमात्मा संसार के शरीर मन बुद्धि से विलक्षण है, साक्षी है, डिटैच्ड है, वो अफेक्टेड नहीं होता। जैसे आकाश अफेक्टेड नहीं होता धूल से, आकाश डिस्टर्ब नहीं हो जाता धूल और मिट्टी से, लेकिन बिना आकाश के कोई धूल मिट्टी रहती, प्रभु साक्षी है। जैसे बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी उपकरण नहीं चल सकता, ये बल्ब जल रहा है, ये माइक चल रहा है, नीचे साइड में हीटर चल रहा है या एयर कंडीशन चल रहा है, फैन चल रहा है, सबका आधार इलेक्ट्रिसिटी है, बट इलेक्ट्रिसिटी ना ठंडी है ना गर्म है। लेकिन बिना इलेक्ट्रिसिटी के ना तो कोई एसी चल सकता है ना हीटर चल सकता है।
By the same token, परमात्मा जो है वो साक्षी है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसका कर्मों से कोई लेना देना नहीं। ये रिलेटिव लेवल पे भी है, एब्सोल्यूट लेवल पे। जितने आप स्पिरिचुअली इवॉल्व होते जाएंगे उतने आप साक्षी होते जाएंगे। साक्षी इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। साक्षी मीन्स ऑब्जेक्टिव, साक्षी मीन्स नॉट इन्वॉल्व, साक्षी मीन्स एक सैल्यूट कर रहे हो राष्ट्रपति की तरह 26 जनवरी की परेड पे। 26 जनवरी की परेड है, राष्ट्रपति सैल्यूट कर रहा है। सपोज उस परेड में उसका भतीजा परेड में जा रहा है तो वहां जाके हेलो हाउ आर यू करके नहीं बात करेगा, उसको भी सैल्यूट करेगा। सपोज कोई ऐसा व्यक्ति जा रहा है जिसको पसंद नहीं है राष्ट्रपति को, फिर भी उसको सैल्यूट करेगा, राष्ट्रपति सैल्यूट कर रहा है, साक्षी है। सिमिलरली हम अपने आप को आत्म के पोजीशन में पहुंचाए, हायर पोजीशन में पहुंचाए, और ये संसार में सुख सुख दुख 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 सुख दुख 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 सुख 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 दुख 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 सुख 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 दुख 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 की परेड चलती जाती। इस संसार में परेड चल रही है, कभी सुख है दुख है, दुख है सुख है, सुख है दुख। फिल्म का गाना है रफ्तार फिल्म का, संसार है एक नदिया, सुख दुख दुख किनारे हैं, ना जाने कहां जाएं हम बहते धारे हैं। कई लोग कहते हैं सर आप हिंदी गाने क्यों रिपीट करते हो, क्यों मैं अंग्रेजी पोयम रिपीट करूं तब आपको अच्छा लगेगा, हिंदी गाने सर क्यों ज्यादा डालते हो, क्यों डालू क्यों ना डालू, यदि अंग्रेजी पोयम बोलू तब तो कहेंगे वाह वेरी इंटेलिजेंट मैन, लॉट्स ऑफ नॉलेज। हिंदी गाने भी क्या है, पोएम ही तो है। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे, ना जाने कहां जाएं हम सब बहते धारे। वक्त के गर्भ में क्या छुपा है नोबडी नो, सैल्यूट करो, इवन दिस शैल पास, इवन दिस शैल पास, सुख भी पास हो जाएगा। सुख दुख 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 सुख सुख दुख 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 सुख दुख 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 सुख दुख की परेड चलती रहेगी और आप उसको साक्षी भाव। तो प्रकृति के कारण आपका संसार चल रहा है, आपकी प्रकृति कैसी, आपकी वासना कैसी। तो यदि वासना में डरूपन है, वासना में डरपोक है, तो आप हर किसी से डरोगे। वासना में निर्भय है तो भगवान से भी नहीं डरोगे। लोग कहते हैं फियर ऑफ गॉड, फियर ऑफ गॉड, फियर ऑफ गॉड क्यों, लव ऑफ गॉड होना चाहिए। पुराने जमाने पता नहीं आज से 25-30 साल पहले जब बायोडाटा लिखते थे लड़के लड़की का शादी के लिए तो क्या लिखते थे, फादर क्या है, इज हिज ओन बिजनेस और वर्किंग इन अ गवर्नमेंट, मदर क्या, तो जनरली क्या लिखते थे, गॉड फियरिंग लेडी। गॉड फियरिंग लेडी क्यों लिखते हो, गॉड लविंग लेडी क्यों नहीं लिखते। हम सब लोग उस परमात्मा से, उस स्पिरिचुअल थॉट से जुड़े और जो मेरी लाइफ में हो रहा है उसको साक्षी मान के चले। इवन दिस शैल पास, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिचुएशन खत्म हो जाती है। मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूं, मैं ये नहीं कहता कि सिचुएशन सॉल्व मत करो, कर सकते तो करो, जरूर करो, बट अंडरस्टैंड आपकी मेरी एक लिमिटेशन है। तो रिलेटिव लेवल में और एब्सोल्यूट लेवल में हम सब लोग सेल्फ अवेयर जितने होंगे उतने डिटैच ज्यादा हो जाएंगे, जितने ज्यादा लोअर लेवल में होंगे उतने हर चीज से अटैच। अटैचमेंट इज इक्वल टू सॉरो, डिटैचमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ। अगला श्लोक क्या कहते हैं हम देखते हैं आत्मबोध का अगला श्लोक। व्यापृतेष्विन्द्रियेष्वात्मा व्यापारी वा विवेकिनां दृश्यते भ्रेषु धावत्सु तावन्निवयता शशि। व्यापृतेष्विन्द्रियेष्वात्मा व्यापारी वा विवेकिनां दृश्यते भ्रेषु धावत्सु धावन्निवयता शशि। टू द नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग आत्मन सेल्फ अपीयर्स टू बी एक्टिव व्हेन द सेंस ऑर्गन्स आर फंक्शनिंग
just as the moon appears to be moving when the clouds are moving. आदि शंकराचार्य कहते हैं कि भागते हुए बादलों में से चंद्रमा भागता हुआ नजर आता है, प्रतीत होता है. भागते हुए बादलों में चंद्रमा भागता हुआ प्रतीत होता है. इसी तरह अविवेकी जनों के कार्य करती हुई इंद्रियों के माध्यम से आत्मा कार्य करता हुआ प्रतीत होता है. वर्स नंबर 19 आदि शंकराचार्य कहते हैं to the non-discriminating, the Atma self appeared to be active. But when the sense organs are functioning just as the moon appears to be moving, when the clouds are moving. Shankaracharya ka atmabodh ki sabse badi khasiyat hai ki yahan pe koi bhi shlok aisa nahi hai jisme koi udharan na diya ho. Kyunki udharan ek aisa madhyam hai jo hamare dimag mein bas jata hai. Hum udharanon se sochte hain, udharanon se seekhte hain. कुछ लोग हैं जो उदाहरणों को नहीं पसंद करते, फेयर इनफ. लेकिन शंकराचार्य के इस ग्रंथ में उदाहरण ही उदाहरण है. क्यों उदाहरण है? क्योंकि हमारे समझने में ये प्रिपरेटरी बुक है उपनिषदों के लिए, उपनिषदों की प्रिपरेशन के लिए की जाती है. ये बेसिक आपका फंडा क्लियर करती है. तो भागते हुए बादल में चंद्रमा भागता हुआ प्रतीत होता है. आपने नोटिस किया होगा बादल घूम रहे हैं, बादल चल रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है चांद चल रहा है. चांद नहीं चल रहा, चांद तो स्थिर है लेकिन बादल चल रहे हैं. लेकिन आपका यदि बादलों पे ध्यान है, ध्यान से सुनिएगा, बादलों में ध्यान है तो चांद चलायमान नजर आता है. लेकिन अगर ध्यान से फोकस करें चांद पे तब पता चलता है कि एक्चुअल में बादल घूम रहे हैं. सिमिलरली बॉडी माइंड इंटेलेक्ट चेंज हो रही है, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट चेंज हो रही है, लेकिन हम सोचते हैं मैं बदल रहा हूं. आप नहीं बदल रहे, आपका शरीर बदल रहा है. आप चेंजलेस हो, आप इमैक्युलेट हो, आप सुप्रीम हो, लेकिन आइडेंटिफिकेशन बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के साथ है. तो बॉडी माइंड चेंज होता है तो कहते हैं मैं दुखी हूं, मैं बड़ा सुखी हूं. आप सुखी नहीं हो, आप दुखी नहीं हो, आपको दुख नहीं है. ये किसको है? शरीर को, मन को, बुद्धि. डोंट गिव मी रॉन्ग आइडिया कि सर नहीं शरीर को दुख होता है. शरीर को दुख नहीं होता, मन के थॉट्स उसको दुख देते. शरीर को दुख नहीं होता, मन के थॉट उसको दुख देते. सपोज आपको अपने 8 घंटे दफ्तर नौकरी करके आए, योर डॉग टायर्ड. बाय द वे नो डॉग इज एवर टायर्ड, बट यू से ओ आई एम सो टायर्ड, आई एम सो डेस्परेटली आई नीड अ स्लीप. आई एम सॉरी टू गिव दिस एग्जांपल. यू से बॉडी मेरी थक गया, मैं थक गया. भगवान ना करे जैसे ही घर पहुंचते हो, घर जैसे पहुंचते हो पता चला बच्चे को कुत्ते ने काट दिया. नाउ व्हाट हैपेंस टू योर टायर्डनेस? ओवर. Now you don't feel tired, you rush to a hospital. कहां से आ गई ऊर्जा आप में? कहां गई आपकी थकान? Mind ने another goal pick up कर लिया. Mind ने जैसे ही अलग goal pick up कर लिया, ऊर्जा एकदम आ जाती. एक बच्चे को आधा घंटा लिखने को बोलो, वो सोने लगता है, उसकी ऊर्जा खत्म होती है. लेकिन वही बच्चा 3 घंटे एग्जामिनेशन हॉल में लगातार लिखता है. सो टायर्डनेस इज नॉट ए फिजिकल फिनोमिना, इट्स ए साइकोलॉजिकल फिनोमिना. तो यदि आपका थॉट जितना हायर पे लगेगा उतनी आपकी शरीर की थकान कम होगी. जितना आपका थॉट क्रॉस होगा उतना बॉडी जल्दी थकेगी. एक नर्स हॉस्पिटल में 8 घंटे काम करती है, थक जाती है, लेकिन वही नर्स मां बनती है तो सारा दिन काम कर लेती है. कहां से आती ऊर्जा? एक आदमी 8 घंटे काम करता है, कहता मैं थक गया. वही आदमी की बेटी की या बेटे की शादी होती है तो महीनों एक्टिविटी कर लेता है. कहां से आई ऊर्जा उसमें? सो ये जो शरीर है, दिस इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट. हमें लगता है शरीर थक रहा है, शरीर ग्रोथ हो रही है. शरीर का आप कहते मैं बूढ़ा हो रहा हूं. आप बूढ़े नहीं हो रहे,
आप निर्लेप हो, आप निर्मल हो, आप निराकार हो, आप अमृतस्य पुत्रम हो, आप स्वयं भू हो, लेकिन फोकस जब बॉडी माइंड इंटेलेक्ट पे, जैसे फोकस बादल पे है तो चांद नजर आता है चलता है, लेकिन जब चांद पे फोकस हो जाए तब बादल नजर आएगा, चेंज होता है। सिमिलरली मेरा थॉट कहाँ है, मेरा उंगली पे थॉट है, मेरी उंगली पे नजर है तो आप आउट ऑफ फोकस हो, मेरा उंगली पे फोकस है तो आप आउट ऑफ फोकस हो, और आप पे फोकस है तो उंगली आउट ऑफ फोकस है। मेरा आप पे फोकस है, कैमरे पे फोकस है तो उंगली आउट ऑफ फोकस है, उंगली पे फोकस है तो कैमरा आउट ऑफ फोकस है, आत्मा पे फोकस है तो संसार आउट ऑफ फोकस है, संसार पे फोकस है तो आत्मा आउट ऑफ फोकस है। दिस इज द लॉ, दिस इज द लॉ। शरीर मन बुद्धि घूमता है, आत्मा अचल है। शरीर मन बुद्धि में चेंज होता है, आत्मा स्थिर है, लेकिन हमें आत्मा चलती नजर आती है। मरने के बाद आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चले, महात्मा भटक रही है, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। आत्मा का रस्ते में अंधेरा है, इसलिए जब शय्या करो मृत्यु के बाद तेरवी करने जाओ हरिद्वार में, तो पंडित जी आपसे टॉर्च मंगवा लेते हैं, घड़ी मंगवा लेते हैं, बाइसिकल मंगवा लेते हैं, बेड मंगा लेते हैं, छाता मंगा लेते हैं। पूछो पंडित जी से टॉर्च की क्या जरूरत है। महाराज आत्मा का जब रास्ता होता है ना तो बहुत अंधेरा होता है, तो उसे टॉर्च चाहिए। अच्छा घड़ी किस लिए चाहिए महाराज? वो टाइम देखने के लिए, कितना टाइम और लगेगा मुझे आत्मा को रास्ते में। दिस इज बच्चों को समझाने के लिए ख्याल गाली भी अच्छा है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, आत्मा सनातन है, आत्मा सर्वव्यापी है। अविवेकी जनों को लगता है, ये अविवेकी जनों को लगता है। शंकराचार्य थोड़े से सभ्य है अभी, इसलिए वो शब्द बोल रहे हैं अविवेकी। साउंड्स वेरी नाइस, अविवेकी। आई शुड पुट माय सन नेम अविवेकी। आई नो ए बॉय जिसका नाम है रंजिश, आई नो अ बॉय जिसका नाम है रंजिश। मैंने पूछा उसके फादर से रंजिश क्यों रखा, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको लैंग्वेज भी नहीं आती, उन्होंने इसलिए कहते इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स वेरी गुड। मैं एक जगह गया स्पेन के पास, स्पेन के पास अंडोरा है एक जगह, स्पेन और फ्रांस के बीच में एक छोटा सा कंट्री है अंडोरा। वहां पे काफी छोटी पॉपुलेशन है और 60-70 सिंधी परिवार रहते हैं। तो एक परिवार से, एक लड़के से मिला, इज अ चेन स्मोकर। मैंने कहा नाम क्या है? इतना नानक। मैंने कहा फटे मुंह तेरे, इज अ चेन स्मोकर। मैंने नाम बदल अपना, पहले नाम बदल अपना। दिस इज आत्मा पर जान है, मेरी आत्मा की शांति के लिए, इसकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौनम रखो। आत्मा को बड़ा परेशानी, तेरी अंतरात्मा की आवाज से पूछ, सिर्फ और शब्द है, शब्द है, शब्द है। जैसे आप कहते हो आटा पिसाने गई हूं, आटा पिसाने नहीं जानते आप, अब गेहूं पिसाने जाते हो। लेकिन लिखा था आटा पिसाने की मशीन, आटा नहीं पिसता गेहूं पिसता, लेकिन हमारी भाषा में अब दिन रोज की दिनचर्या में आ गया। नाम क्या था गुरुजी? नानक। He was a chain smoker। नाम उसका नानक डाला मैं क्या भाई तेरे। सो हम सब लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं उस अविवेकी जनों के कार्यों को ना समझे। अविवेकी means stupid। अविवेकी sounds very good, doesn't mean। अविवेकी का मतलब है stupid। अविवेकी का मतलब है idiots। और जब आदमी अविवेकी हो जाता है तो वो भेद करना नहीं जानता। यदि किसी का विवेक सही नहीं है सब्जी के बारे में तो वो सब्जी में भी भेद करना नहीं जानेगा, ये अच्छा घिया या खराब घिया।
सो हर समय इस लाइफ में ज्ञान प्राप्त कीजिए, विवेक को जगाइए, और जब आपका विवेक जागेगा तो डिस्क्रिमिनेशन सही होगा, और राइट डिस्क्रिमिनेशन ही आपको इवॉल्व करेगा। विवेक और वैराग्य दो व्हील्स ऑफ द पैडल है, इस साइकिल के दो पैडल्स हैं, विवेक वैराग्य, नॉलेज डिटैचमेंट दोनों साथ चलते। सीढ़ी के ऊपर वाले रंग से अटैच नॉलेज आ जाए, अटैच हो जाओ, नीचे वाले हिस्से से हम क्या हो जाते हैं, डिटैच होते हैं। तो आज हम इसी विचार से अपनी वाणी को विराम लेता हूं। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।